ये पूरा सऊदी अरेबिया भाई, वो गाड़ी भी जो आ रही है वो ये सऊदी अरेबिया में ही है। शाम के 4:30 हुए अभी और देख लो अंधेरा बस होने वाले 5-10 मिनट में हो लेगा, 5:45 तक। जैक डेनियल्स विस्की 22 JD इंडिया के 2,500 रुपए। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, एक नए दिन में। मैं अभी पेट्रा में हूँ, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा हम गए थे पेट्रा की आर्कियोलॉजिकल साइट पे, जो एंशिएंट सिटी थी वो हमने देखी। और अगली सुबह हुई है, अभी हम जाने वाले हैं अकाबा। अकाबा की ये खास बात है कि वहाँ पे ना आपको 3 देश और देखने को मिलेंगे। उधर से सऊदी अरेबिया दिखता है, वो रेड सी पार करते हैं, इजिप्ट का सिनान दिखता है, इसराइल दिखता है। यहाँ से पेट्रा से ज़्यादा दूर तो नहीं है, मेरे ख्याल 120-130 किलोमीटर है, 2 घंटे का रास्ता है गाड़ी में। अच्छी बात क्या करी कि मैंने और मनोज भैया ने गाड़ी रेंट कर ली थी, वो गाड़ी खड़ी है हमारी उधर, निसान की किक्स नाम से गाड़ी है। मनोज भैया वीडियो बना रहे हैं। नमस्ते, जय हिंद। ट्रैवलिंग मंत्रा नाम से मनोज भैया का चैनल है और हम दोनों साथ सफ़र कर रहे थे। जॉर्डन का ट्रिप हमारा साथ में होने हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 दिन का रह रही। तो जो कंटेंट आप मेरी वीडियोस पे मिस कर देते हो आप वो उनकी पे देख सकते हो। पीछे मेरे पेट्रा सिटी है, बहुत ही खूबसूरत सिटी है और मौसम काफ़ी अच्छा है, इधर का मौसम मुझे पसंद आया, ना गर्म है ना ठंडा है। अब हम चलते हैं अकाबा, वहाँ पे देखते हैं, उसके बाद हम वादी रम पहुँचेंगे, वहाँ पे हम डेजर्ट में कैंपिंग करेंगे, वो उनकी लोकल जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो सब करेंगे। चलो जॉर्डन घूमना है अगर आपको तो 2 जनों में गाड़ी लेना बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छी सोच है अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हो, क्योंकि बहुत बड़ा देश नहीं है और 2 या 3 जने होते तो आपके टैक्सी बस में भी इतने ही पैसे लग जाते। तो खुद की गाड़ी लेके आप कहीं भी रुको, कुछ भी करो। हमने जैसे कपड़े सुखा रखे पीछे, आपको ये सुविधाएँ भी हो जाती है अगर खुद की गाड़ी है आपके पास। तो ये बेनिफिट है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको कि आप खुद की गाड़ी रखो। गूगल ने बंद कर दिया, ले भाई रास्ता ही गूगल फेल हो गया भाई। लो जी, लो भाई फंस गए भाई, रास्ता बंद, गूगल फेल हो गया। कोई गलत टर्न ले लिया था, मैप्स ने भी गलत रास्ता दिखाया, थोड़ा आगे जाके फंस गए थे। आ जाओ मोड़ लो, ये गाड़ी चढ़ तो नहीं पाएगी, ऐसे मुतर तो गई, दम नहीं है इसमें, दम नहीं है। ये चर्च है क्या? मस्जिद। इधर पत्थर का स्ट्रक्चर सा बना रखा है इन्होंने, काफी खूबसूरत दीवारें और ये पत्थर, पर इनका यूज नहीं समझ में आ रहा मेरे को, ये काम किस आएंगे ना, इधर आके बैठ सकते हैं, कोई कुर्सी वगैरह कुछ नहीं है ना, कोई मेरे को इनका साइंटिफिक यूज लग रहा है इन पत्थरों का खड़े कर दिए के लिए। ऑलमोस्ट 20-25 मिनट में अकाबा पहुंचने वाले हैं और एक गलत रास्ता ले लिया था जिसकी वजह से हमारा आधा पौना घंटा खराब हो गया। पहले तो गूगल मैप्स उधर कच्चे रास्ते पे लेके गया ही, उसके बाद भी थोड़ा और गलत ले गया था। पर एनीवेज अब पहुंचने वाले हैं और इधर स्पीड लिमिट जो है इन रोड्स पे गाड़ियों की 110 है ना, बड़े व्हीकल्स की 100 है और गाड़ियों की फास्ट कार्स की 110 है, बीच बीच में कभी 80 भी है कभी 60 भी है, पर मोस्टली इस हाईवे पे 110 ही है। 10% अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो ये आपको टिकट नहीं देते, फाइन नहीं करते। जैसे मान लीजिए आप 130-135 तक चले गए तो उसमें कुछ है इनका कि 100-150 दिनार लगेंगे या 200 लगेंगे, उससे और जाओगे तो फिर सीधा 300-350 और जाओगे तो ऐसा भी है कि आप मान लीजिए 180-190 पे चढ़ रहे हो तो इनको अथॉरिटी आपको अरेस्ट करने की। उस पर अपने इंडिया की तरह नहीं है कि जैसे कि 90 की लिमिट है तो चाहे आप 150 चलाओ चाहे आप 100 चलाओ आपका चलान उतना ही कटेगा, ऐसे नहीं है, जितना आप तेज चलाओगे चलान उतना ज़्यादा कटेगा। अपने इंडिया में लेफ्ट से ओवरटेक नहीं करना होता, इधर लेफ्ट से ही करना होता है ओवरटेक, क्योंकि हम लेफ्ट एंड ड्राइव है और रोड के राइट साइड गाड़ी चला रहे होते हैं। इंडिया में राइट एंड ड्राइव होती है और रोड के लेफ्ट साइड गाड़ी चलाते हैं, तो इधर बिल्कुल अपोजिट है। एक और समस्या क्या होती है, ये तो गाड़ी ऑटोमेटिक है, अगर मैनुअल हो जैसे मेरे पास टर्की में थी तो वो हमेशा लेफ्ट हाथ से गियर बदलते हैं। अब जैसे मैं इधर बैठा हूँ तो हाथ ना हमेशा लेफ्ट साइड में जाता है, ड्राइवर का हाथ उधर खिड़की में जाता है, और जैसे पीछे मुड़ के देखना हो तो इंडिया में तो स्टेयरिंग इधर होता है तो अपन लेफ्ट मुड़ के ऐसे देखते हैं बार बार, लेकिन मनोज भी यहाँ बैठे हैं उधर चला रहे हो तो लेफ्ट देखोगे तो कुछ भी नहीं, उधर सिर लगता है बारी बारी। तो मेरे साथ टर्की में होता था, मैं ऐसे ही उधर देखता था उधर मेरा सिर भिड़ता था। पेट्रा की वजह से ये चल रहा है, सही बताऊँ तो मान टूरिज्म इनकी इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा है, टूरिज्म की वजह से इनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा चल रही है। ऑब्वियसली वर्ल्ड का एक वंडर यहाँ पे, एक अजूबा यहाँ पे है पेट्रा। तो पेट्रा में 2018 में 1 मिलियन टूरिस्ट आए थे एक साल में, 10 लाख टूरिस्ट आए थे। जॉर्डन की हालांकि पूरी पॉपुलेशन ही 10-11 मिलियन है, तो मान लीजिए उस देश की जितनी पॉपुलेशन है उसके 10% तो उसमें
टूरिस्ट आने लग रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। अकाबा में हम एंटर कर चुके हैं। अकाबा जो है इनका जो गल्फ ऑफ अकाबा इस एरिया की सबसे बड़ी सिटी यही है। हालांकि बहुत बड़ी नहीं है, 2 लाख पॉपुलेशन है इनकी, पर इससे पहले हम पेट्रा से, पेट्रा की तो शायद 25-30 हज़ार ही है पॉपुलेशन, तो इनके हिसाब से बड़ी सिटी है, पर अपने इंडियंस के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। इधर वैसे लोग स्कूबा डाइविंग के लिए काफ़ी आते हैं क्योंकि रेड सी पड़ता है पास में, और जो सिनान पेनिनसुला है उसका, इजिप्ट का, वो भी यहाँ पे साथ में ही है। इलियात, गल्फ ऑफ इलियात है इसराइल का, वो भी यहाँ पे पास में है। तो ये खास बात है इस जगह की। और कुछ यहाँ पे बहुत पर्टिकुलरली ऐसी कोई फेमस चीज़ है कि इनका शायद फोर्ट है, ये बायो लैब है शायद इसकी, वो कोविड की टेस्टिंग के लिए। जॉर्डन में यही लैब चलती है। हिल्टन होटल है, डबल ट्री बाय हिल्टन, हिल्टन वालों का होटल है, तो इन्होंने नीचे ही लैब लगा रखी है। बायो लैब की इधर ब्रांच ही होटल में खुली हुई है, ये बढ़िया है क्योंकि इधर कोविड के टेस्ट बायो लैब ही करती है जॉर्डन में। सारी बॉर्डर से बहुत पास है, हम सऊदी बॉर्डर बस सामने ही है, राइट में इसराइल है और वो उधर इजिप्ट है, ये इसराइल है, सामने सऊदी बॉर्डर है। इधर एक लड़का सैर कर रहा था, पता नहीं क्या उसको यही जगह मिली क्या अपनी ऐसी तेजी ग्रहण की। ग्रैंड ताला बे होटल, अच्छा वो होटल में रुका हो गया तो पता नहीं, घूमने देते बेचारे को, सॉरी भाई। ये जितने भी होटल्स या रिजॉर्ट्स बीच में दिख रहे हैं ना, सब पे लिखा है डाइव सेंटर, डाइव सेंटर, तो यहाँ पे लोग शायद डाइविंग करने ही आते हैं इधर, स्पेशली इस बॉर्डर के पास में। लेकिन है ना, समुद्र पे भी इन्होंने वो लगा रखे है, अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, वो रस्सी सी है वो बीच बीच में लगाई हुई है कि इधर तक जॉर्डन है, इधर तक ये इजिप्ट है, ये एरिया इसराइल का है। पर फिर भी डर तो बहुत लगता होगा गलती से इसराइल की साइड चले गए तो। मनोज भैया जैसे बोल रहे थे नीचे से पानी में से आएगी गोली, मछलियाँ भी ट्रेंड होगी उधर की। तो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा था सऊदी बॉर्डर 5 किलोमीटर, बहुत पास में आ गए हम। बॉर्डर वाला रास्ता बंद था तो मनोज भैया गया किसी आदमी से पूछने की भी कोई रास्ता है जाने का, और जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है वो कुछ ऐसा कह रहे हैं कि भी पुलिस चेक पॉइंट है इधर और बंद है इधर से नॉर्मल कार्स का, पता नहीं देखते अभी भैया आएंगे तो पूछते हैं। आगे ना वो हाईवे है, कुछ में जुड़ जाएगा। उसने अपनी जान छुड़ाई है, वही बात है, उसे इंग्लिश नहीं आती थी, हमें अरबी नहीं आती थी, अब बाकी तो रब रखा है, चलते हैं मेरे। वाओ भैया की एक खास बात है, भैया ना हैंडब्रेक लगा के गाड़ी चलाने विश्वास रखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मली तो सारे चलाते हैं, हम कुछ अलग चलाएंगे ना। इतनी सारी गाड़ियां खड़ी है, पता नहीं किस वजह से खड़ी है, इंडस्ट्रियल जोन है। अच्छा बस ये अब लास्ट पार्ट है जॉर्डन का, अब सऊदी की बॉर्डर यहाँ से मेरे ख्याल 1 किलोमीटर भी नहीं होगी। वो जो पहाड़ है ना सामने सऊदी अरेबिया में पूरे, ये पूरा सऊदी है। राइट देखना भैया रास्ता जा रहे हैं तो, कहेंगे अच्छे पागल है कहाँ धक्के खा रहे हैं, जॉर्डन सऊदी अरेबिया की इजरायली बॉर्डर पे खो गए भाई, खो गए क्या करें, चोरी थोड़ी कर रहे है, बस बॉर्डर ही टापने की कोशिश डोंकी तो मार रहे है। और वो भी देखो ये कनाडा का कुछ नहीं बॉर्डर, कोई अमेरिकन बॉर्डर नहीं, सऊदी अरेबिया का बॉर्डर, जहाँ पे वैसे भी ना जाए कोई, जहाँ पे गोली लगने के चांस ज्यादा है, ये कई किलो सिटीजनशिप ले लो सब ले लो तो भी ना जाए। इनको किसी को हिंदी ना आती हो, बस अपना फोन चेक कर रहे हो, इनकी वीडियोस देखते क्या बना रहे हैं। अच्छा गोली चल रही है। ये पूरा सऊदी अरेबिया भाई, वो गाड़ी भी जो आ रही है वो ये सऊदी अरेबिया में ही है। ये सामने बॉर्डर कंट्रोल आ गया फाइनली, बिल्कुल बॉर्डर कंट्रोल जो था उधर तक हम जाके आ गए थे, पर वहां पे ना कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि लोग क्रॉस कर रहे हैं वायलैंड, है ना, कोई भी ऐसा दिखा नहीं, ये इंडस्ट्रियल जोन है, इंडस्ट्रियल जोन है, तो मेरे ख्याल से इधर से नहीं क्रॉस करते होंगे जो इनके आते हैं। किसी ने मुझे बताया था कि पहले कर जाते होंगे, फिलहाल नहीं कर रहे, लेकिन होती थी बॉर्डर क्रॉसिंग भी, लोग करते थे, पर इस टाइम कुछ ऐसा दिखा नहीं, वरना कोई बस वस दिखती, कोई पर्सनल गाड़ी दिखती, ऐसा कुछ नहीं था। एक गाड़ी आई थी वो भी उल्टी मोड़ गया था अपनी तरह ही, इतने लोग ही नहीं है क्रॉस करेंगे, इससे ज्यादा भीड़ तो अपने डिग्री बॉर्डर पे मिल जाती है। वो नजफगढ़ होते हुए जाते हैं जो रास्ता बंद है क्योंकि उधर जाम मिल जाते, इधर कोई गाड़ी नहीं देखी, इनने कहा बॉर्डर देखी है, सिंगू बॉर्डर पे बहुत जाम लगा हुआ है, सिंगू बॉर्डर, डिग्री बॉर्डर, इधर देखो जाएंगे बॉर्डर इन, तब समझ में आएगी। यहाँ पे बताओ 5 मिनट में देश ही चेंज हो रहे हैं, वहाँ पे 2 घंटे में शहर ही चेंज नहीं होता। उधर सऊदी की बॉर्डर देख के तो हम चल पड़े थे, अब हम देखने वाले इजिप्ट और इसराइल की बॉर्डर, वहां से क्योंकि पहाड़ थे ना तो उधर से दिखती नहीं बॉर्डर, इधर से सारी दिख जाएंगी, सऊदी की थोड़ी दूर दिखेगी, इजिप्ट की इधर और इसराइल की इधर, यहाँ से वो इजिली दिख जाएगी। इनका जो पोर्ट था पीछे आपने देखा, हम गलत रास्ते पे चले गए थे,
ये बस अपने पोर्ट के लिए और डाइविंग वगैरह के लिए पॉपुलर है। अब हम थोड़ा सा वापस सिटी सेंटर की तरफ आ गए, इधर गाड़ी खड़ी करी और यहाँ से पैदल चल रहे, क्योंकि ना उधर से सऊदी की बॉर्डर तो थी पर वो पहाड़ से थे, उन पहाड़ों की वजह से ना समुद्र नहीं दिखता था, मतलब इजिप्ट का वो सिनान पेनिनसुला और ये इसराइल वाला पार्ट नहीं दिखता था, तो इसलिए हम वापस इधर आ गए। इधर से वो सऊदी वाले पार्ट तो थोड़ी दूर दिखते हैं, लेकिन इसराइल और इजिप्ट एकदम साफ दिखते हैं, तो ये देखने के लिए हम इधर आ गए। शाम के 4:30 हुए अभी और देख लो अंधेरा बस होने वाले, 5-10 मिनट में होलेगा, 4:45 तक। ये देखो शानदार नज़ारा, अब बताता हूँ, ये है जॉर्डन, ठीक है, इधर तक ये जॉर्डन है, ये है इसराइल, इलियात जो इसराइल की जगह है, वो सामने लाइटें सारी जल रही है, ये पूरा इसराइल है, ये इसराइल है, समझ गए, ये है जॉर्डन। और थोड़ा और हम उधर जाए लेफ्ट में, तो वो उधर वो है इजिप्ट का सिनान पेनिनसुला, वो इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इसराइल, जॉर्डन, इनका जो गोल्डन ट्राइंगल है ना जॉर्डन का पूरा, जिसमें वादी राम, पेट्रा और ये अकाबा आते हैं, तो ये बेसिकली इनकी 3 मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, जो आपस में ज़्यादा दूर नहीं है, बराबर बराबर डिस्टेंस पे तीनों जगह, और जॉर्डन की बहुत बड़ी इकॉनमी इसकी टूरिज्म पे निर्भर करती है, एंड द सेम गोज़ फॉर अकाबा ऑब्वियसली। यहाँ पे एक इनका पोर्ट है जो कि उसके जाते हैं सामान ट्रेड करने के लिए और देशों में ले जाने के लिए, लाने के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे टूरिज्म, टूरिस्ट काफ़ी आते हैं क्योंकि इधर से 3-4 देश देखने को मिलते हैं, तो लोग यहाँ पे आके नज़ारा इंजॉय करते हैं। यहाँ पे जो बोट्स जितनी भी दिख रही है, ये आपको एक राइड पे लेके जाते हैं, एक स्मॉल राइड, बड़ी राइड, जो बड़ी राइड है वो है 10 JD जॉर्डनियन दिनार, यानी कि इंडिया के 1,100-1,100 रुपये। छोटी राइड जिसमें छोटा सा राउंड कराते हैं, वो है लगभग 5 JD, इंडिया के लगभग 500-550 रुपये की। पर मैं ये सोच रहा था यार, ये बोट्स यहाँ से लेके तो जाते हैं घुमाने के लिए, फिर आगे से वो वहाँ से निकालते हैं, इधर से निकाल के फिर आ जाते हैं प्रॉपर इसमें रेड सी में, ये रेड सी है बेसिकली, और वो इसराइल का एरिया है, वो इजिप्ट का एरिया है। पर इधर मेरे को कोई ऐसी मार्किंग सी नहीं दिखी कि इधर से इसराइल शुरू हो गया, देखो डायरेक्टली वो इसराइल है, तैर के आप वहाँ पे जा सकते हो, हालांकि वो इसराइल वाले जाने नहीं देंगे वो अलग बात है, पर ऐसा कोई मेरे को मार्किंग से अलग से दिखी नहीं। तो मैं ये सोच रहा हूँ यही खतरा होता होगा, अभी इनको बोट वालों को तो पता है कि कहाँ तक का जो पानी है वो ओमान की बॉर्डर्स में आता है, पर जो अपन जैसा आम आदमी है, नॉर्मल आदमी है, तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना कि भाई यहाँ पे तैरने चले जाओ, क्योंकि कुछ नहीं पता, आप इसराइल की बॉर्डर में एंटर कर जाओ, क्या पता इजिप्ट की में कर जाओ, सऊदी की में कर जाओ, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। यार दुनिया में कहीं भी चले जाओ, इंडियन बंदा या फिर इंडियन खाना या रेस्टोरेंट देखने को मिल ही जाता है। मैं दुनिया किस कोने में, वो सामने सऊदी अरेबिया, उधर इजिप्ट है, उधर इसराइल है, फिर भी यहाँ पे फाइनली एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल ही गया, वो समुद्र है, और इधर समुद्र किनारे कुछ ही कैफेज रेस्टोरेंट से है, और इधर हुक्का वगैरह मिलता है और खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें। हुक्के का मैंने रेट पूछा था यहाँ पे 2 JD का, यानी कि इंडिया के 200-250 रुपये का। जॉर्डन की ओवर पार्ट से बहुत सस्ती है जगह, जैसा कि मैंने रियलाइज़ करा, बहुत ओवर प्राइस है और जगह जॉर्डन की, यहाँ पे तो फिर भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल है 200-250 रुपये का। इधर बीच पे 3 देश दिखा के अगर हुक्का पिला रहे तो, एक ये वाइन शॉप है, इसमें दारू वगैरह है, एब्सोल्यूट वोडका, रशियन स्टैंडर्ड वोडका, ये रशिया में थी मेरे ख्याल से 500-550 रूबल की, वही रूबल और रुपीज़ बराबर है, तो 500-550 इंडिया के रुपए, यहाँ पे 18 JD है, यानी कि लगभग 2,000 रुपए की। पर मेरे याद नहीं हो सकता, वो हाफ भी हो सकती है जो मैं लेके आया था रशिया से, मेरे को याद है कि मैंने 500 रूबल दिए थे शायद पापा के लाया था ना। बाकी इधर ही और तरह की मेरे ख्याल से रम है, जिन है, तो ये विस्की है 4 JD की, 4 JD यानी कि इंडिया के 500 रुपये का ये हाफ है, और क्या रेट है, जैसे कि 8 JD का ये क्वार्टर है, क्या चीज़ है, बोर्ड का है मेरे ख्याल से, बोर्ड का 850 का ये क्वार्टर है, हाफ है पता नहीं यार। द फेमस ग्रे गूज विस्की नाम से ये है 20 JD की, इंडिया के 2,200 रुपये। जैक डेनियल्स विस्की 22 JD इंडिया के 2,500 रुपये, पर ये शायद छोटी है, ये बड़ी है, ये 1 लीटर वाली, 1 लीटर की है, 27 JD की इंडिया के 3,000 रुपये की बड़ी बॉटल। रेड लेबल 26 JD इंडिया के 3,000 रुपये। ये तो रेट ठीक है भाई इंडिया वाले ऑलमोस्ट। वैलेंटाइंस इंडिया के 2,000 रुपये की। अकाबा काफ़ी यार रीजनेबल है अकाबा की प्राइसेस, जॉर्डन बहुत ज़्यादा महंगा, और किसी जगह आप जॉर्डन में जाओगे ना, पर पर्सन आपका 600-700 रुपये तो बिल आएगा ही आएगा, सस्ते सस्ते जगह खाना भी खाओगे तो।
पर इधर चीजें सस्ती लगी मेरे को। और जैसे अम्मान में हम एक गए थे वाइन स्टोर पे, उधर से हमने कुछ लिया नहीं था लेकिन रेट पता करे थे, तो जो रम थी सबसे सस्ती वो इंडिया की 1.5-2 हजार की थी। इधर ही अच्छी अच्छी विस्कीज है 2 हजार रुपए की, रम भी होगी वो सस्ती होगी। भूख अब कंट्रोल नहीं हो रही, चलते हैं भाई अपनी रेंटेड कार में, चलो। ये आ गया भाई रेस्टोरेंट 7 Spices, ऑथेंटिक इंडियन टेस्ट। बाहर इन्होंने मेन्यू लगा रखा है। थोड़ी सी भूख पेट में अभी भी रह गई थी तो हाफ बटर चिकन और मंगवा लिया मैंने। भाई मेरा पेट बुरी तरह भर चुका है, पर खाना मार लिया, जलेबी लिया इतनी सारी। आप किधर से हो एग्जैक्ट? उत्तरांचल। उत्तरांचल में कहाँ से? ये टेरी गढ़वाल। टेरी गढ़वाल।